मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सोल आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल आर्ट। आज हम देखेंगे इस तरह के शगुन पाउच हम कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि आजकल दिवाली का भी मौसम है और शादियां भी है उसके बाद, तो शादियों के मौसम में भी हमें इस तरह के शगुन पाउच काम में आते हैं, पर ऑनलाइन अगर आप देखने जाएंगे तो ये बहुत महंगे पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हम घर में कैसे बना सकते हैं और इसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। तो आज का ये डिजाइन बनाने के लिए हमें चाहिए एक ब्रोकेड फैब्रिक और कॉटन का लाइनिंग चाहिए उसके लिए मैचिंग का, फिर कैनवास और रोल अप स्टिक लगेगी। अगर आपके पास रोल अप स्टिक नहीं है तो आप न्यूज़पेपर से भी रोल करके उसे बीड्स लगा के तैयार कर सकते हैं। एक गोल्डन डोरी लगेगी और एक गोल्डन टैसल। दूसरा पैटर्न तैयार करने के लिए हमने ये 4.5 इंच बाय 9.5 इंच की बकरम की पट्टी काट ली है और यहाँ पे ऊपर से मैंने 2.25 इंच पे मार्किंग कर दी है और अब यहाँ पे मैं उसे ऊपर से कर्व शेप में काट लूंगी। इस तरीके से ऊपर से मैंने गोलाकार काट लिया है और उसे अंदर से हम जोड़ने के लिए इस तरह से मैंने एक कॉटन का कपड़ा काट लिया है। तो ये 4.25 इंच बाय 8.5 इंच का एक कॉटन का कपड़ा है और अब ये जो हमारा बकरम है उसे हम ये मैंने बाहर का कपड़ा लिया है, ये भी मेरे एक साड़ी का ब्लाउज पीस है जो मैंने नहीं सिया था, तो उसे देखिए ये मुझे बॉर्डर भी ये जो डिजाइन है वो बीच में लेना है और ये जो बॉर्डर है ये मुझे इस कर्व पे लेनी है इस तरह से। तो इसके लिए यहां पे मैं अंदर पे इसे रखूंगी और ये जो लाइनिंग है ये यहां से मैच करूंगी और ये मेरा बीचों बीच थोड़ा आएगा, इस तरह से मैं इसे रख दूंगी। और जिस तरह से पहले के लिए हमने डैबिंग करके जॉइन कर दिया था वैसे ही हमें बकरम इस पे जोड़ना है। इस तरीके से मैंने बकरम उस पे जोड़ दिया है और अब यहाँ पे काटते वक्त देखिए मुझे यहां से 2.5 इंच ज्यादा लेके काटना है क्योंकि इस तरह का जो हमारा इनविटेशन का रोल है वो मुझे यहाँ पे आगे उसे जोड़ना है, तो ये हमारा रोल अप एनवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे उसे राउंड में लेने के लिए मुझे यहाँ पे 2.25 इंच ज्यादा लेना है यहाँ पे और 0.5 इंच की सिलाई, तो लगभग 2.75 इंच बकरम से मैं यहाँ पे ज्यादा मार्क कर लेती हूँ। और यहां से 0.5 इंच एक्स्ट्रा रख के मैं ये पूरा इस तरह से काट लूंगी। तो इस तरह से बाहर का जो हमारा पीस है वो तैयार है और अब इसी मेजरमेंट से हमें कॉटन का लाइनिंग पीस भी काट लेना है इस तरह से और अब इसे भी हमें यहाँ पे इस ओर जैसे हमने पहले के पैटर्न में लगाया था उसी तरह से मुझे ये कॉटन पाइपिंग भी यहाँ गोल यहाँ पे लगानी है और यहाँ पे बीच में इस तरह से मुझे एक रस्सी लगानी है जो मैं उसे
टाई अप कर सकूंगी इस तरह से। तो इस रस्सी को मैंने एक और इस तरह से गोल्डन टैसल लगा दिया है। तो इस तरह की रस्सी हमें यहाँ पे सीनी है जब ये हम ये सीएंगे। तो मैं ये थोड़ा रेगुलर मेजरमेंट से ज्यादा लेके यहाँ पे काट लेती हूँ। एक ओर से ये पाइपिंग की पट्टी और ये टैसल हमने इसे एक सीधी ओर से लगा दिया है। और अब ये जो हमने लाइनिंग का पीस काटा है उसे भी हम ऊपर की तरफ से रखेंगे और इस तरह से पूरी चारों ओर से सिलाई करेंगे। बीच में थोड़ा गैप रख के उसे बाद में सीधा करेंगे। तो पहले यहां से पूरा इतना सिलाई हम करके लेंगे। इस तरह से इतना गैप छोड़ के यहाँ पे हमने सिलाई कर दी है और अब हम उसे सीधा करेंगे। कॉर्नर्स में छाट लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा फोल्ड करके हम आयरनिंग कर लेंगे। इस तरह से। और यहाँ पे दाब सिलाई हमें करनी है। उससे पहले ये जो हमने पीस तैयार किया है उसे इस तरह से तीन ओर से ही हमें फोल्ड करना है। ऊपर की ओर से और यहां से और इस ओर से, और इसे दाब सिलाई करते वक्त जोड़ देना है। ये एक ओर हम इस तरह से हमने ये जोड़ दिया है और इस पे पूरी दाब सिलाई भी हमने कर दी है। अब ये हमारा हिस्सा खुला है और ये भी। अब ये जो हमारा रोलर है वो हम यहाँ पे इसे सिलाई कर देंगे या तो हाथ सिलाई करके हम इसे जोड़ देंगे। इस तरीके से मैं उसे हाथ सिलाई करके यहाँ पे सी देती हूँ। हम यहाँ पे लैडर स्टिच डाल के जो हम हाइडिंग स्टिच कहते हैं उसे, वो भी यहाँ पे हम कर देंगे। ये हमारा शगुन पाउच इस तरह से बनके अब तैयार है। ये हमने रोल ऑन स्टिक लगा दी है इसे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप न्यूज़पेपर की स्टिक तैयार करके और यहाँ पे दोनों एंड्स पे बीड्स लगा के भी उसे तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पैसे रहेंगे। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे कैश रख देती हूँ। और ये हम इस तरह से रोल अप करके, देखिए इस तरह से, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से हमारा ये रोल अप शगुन पाउच भी अब बन के तैयार है। और इसके पहले के वीडियो में हमने ये शगुन पाउच भी कैसे बनाना है वो भी देख लिया। तो इस तरह से शगुन पाउच आप बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल सोल आर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं फिर एक बार आऊंगी कुछ नया लेके। तब तक थैंक यू।